उन्होंने जैसे कहता है ना एक एड बनाया जिसके अंदर पाकिस्तानी लोगों को दिखाया जो ये इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टीम इंडिया हमें हमारे घर के अंदर घुस के, हमें उम्मीद नहीं थी हमें बांग्लादेश मार के गया हमारे घर के अंदर, हमें इन्होंने जैसे कहता है ना पेला वगैरह। जब मैंने ये एड देखा मुझे दुख तो हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये तो होगा, जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर तो ये होगा। आज जो मैसेज दिया है टीम इंडिया ने शायद हमारी क्रिकेट टीम को कि भैया इन्हें सर पर नहीं चढ़ाना था, ये क्रिकेटर्स हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन ये इतने बड़े क्रिकेटर्स नहीं है कि ये हमें चौंका दे, ये हमें नहीं चौंका सकते। उन्होंने बिल्कुल सही किया, जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर आपके साथ यही होगा, बिल्कुल 100% उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि हम तो खुद अपने घर में से डील हो रहे हैं। मैं समझा शायद ऐसा करते ना लोग इसको बुरे मायनों में लेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, जो अपने घर के अंदर टीम नहीं जीत सकती उसके साथ यही होना चाहिए। बजाद इस तरह की टीम को पकड़ के, इस तरह की टीम होने से बेहतर यह है कि भाई हम लोग क्रिकेट देखने छोड़ दें। हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो अब क्या करते हैं, अब वो ऑब्वियसली अब जिता देते हैं हम कि यार चलो ठीक है तुम लोग जीत जाओ, तुम लोग खुश हो जाओ, हमारा क्या है, फकीर लोग हैं, नहीं मिलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी तो क्या ही दिक्कत है। हमने दुनियावी चीजों में दिल ही नहीं लगाते भाई, हमने ऊपर लो लगाई हुई है डायरेक्ट। पाकिस्तान और यार इंडिया में बस इतना फर्क है, जानी आप हिसाब लगा लें, पाकिस्तान बांग्लादेश से 10 विकेटों से हारा है, और जो इंडिया है वो 280 स्कोर से जीत गया। बांग्लादेश की टीम का जनाजा निकाल के रख दिया है, वो क्रिकेट वाला ग्राउंड नहीं था उसको कब्रिस्तान बना दिया। इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज को उन्होंने एक न्यू हाइप दे दी कि इंडिया लेगा पाकिस्तान का बदला, और ले भी लिया उन्होंने, जहां हम 10 विकेट से आ रहे 280 रन से विक्ट्री हासिल कर ली। तो ये जो एड था ना, ये जिसको कहते हैं ना बड़ा दिल को छू के गुजरा, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, अगर हम जीते होते, अगर हम अपने घर में जीत रहे होते, कोई गलती से एक ये सीरीज हार गए होते, तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, हम तो अपने घर में हारते जा रहे हैं। के बारे में पहले कहा जाता था कि वो अपने घर के शेर है, उन्होंने बोला कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी टीमें हैं अपने घर के अंदर सबसे अच्छी क्रिकेट इंडिया खेल रही है, मगर ओवरसीज के अंदर भी अब इन्होंने बहुत रिस्पेक्ट पाई है, हर टीम को पता है कि टीम इंडिया बहुत तगड़ी टीम बन चुकी है। टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 2024-25 उसकी जो लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है वो अनाउंस किया गया है, और बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाला जिसे चाहे इज्जत दे, हम दूसरे नंबर के ऊपर है नीचे से, और इंडिया वो नीचे है सबसे, ऊपर से वो अच्छा उल्टा खुला हुआ है। जिम्बाब्वे हमसे घर में ज्यादा जीता हुआ है, मतलब हम जिम्बाब्वे से भी नीचे हैं। दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की हार का जो बदला है ना, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो भारत को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर सपोर्ट कर रहा है, और भारत की उम्मीद कर रहा है कि भारत सीरीज जीते और पाकिस्तान का बदला ले। 2023 से लेके अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 7-8 पहले 10 बैट्समैनों में भी कोई पाकिस्तानी नहीं है, 4 से 5 इंडियन है, 4 से 5 इंडियन है, एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। इंडिया ने वो सफा फाड़ दिया अपना हारने वाला, कोई भी मैच हो कोई भी फॉर्मेट हो यार, आप देखोगे कि वो लोग कहते हैं कि भाई नहीं हारने वाला कॉन्सेप्ट अपना है ही नहीं भाई, ताल्लुक ही नहीं है उस बात के साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली जियो सिनेमा ने भी इन पाकिस्तानियों के मजे ले लिए। दरअसल आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश मैच के दौरान एक एड चल रहा है जिसमें पाकिस्तानी लोगों को दिखाया गया है कि वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बदला बांग्लादेश से ले लें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों की कितनी खराब कंडीशन हो चुकी है कि ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत बदला ले ले हमारा हार का, मतलब शर्म की बात है कि पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी मीडिया में भी मतलब इससे शर्मसार हो रही है कि इतनी मतलब बेइज्जती हो रही है हमारी इंटरनेशनल लेवल पर, और ब्रॉडकास्टर भी हमारी पूरी तरीके से मजे ले रहे हैं। उन्होंने जैसे कहता ना एक एड बनाया जिसके अंदर पाकिस्तानी लोगों को दिखाया जो ये इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टीम इंडिया हमें हमारे घर के अंदर घुस के, हमें उम्मीद नहीं थी हमें बांग्लादेश मार के गया हमारे घर के अंदर, हमें इन्होंने जैसे कहते हैं ना पेला वगैरह, इसी के साथ साथ इनके बॉलर स्विंग करते हैं, इनके बॉलर जैसे कहते हैं ना उनके पास हर चीज है, पेस है, स्विंग है, नहीं दराना से बच के रहना, हमें तो घर में पेल दिया, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा बदला इंडिया लेगा, तो इस दफा हम टीम इंडिया को चीयर्स करेंगे। पूरी की पूरी ना तकरीबन कोई 7-8 लोगों को मिला के इस एड को बनाया गया, और दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की हार का जो बदला है ना, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो भारत को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर सपोर्ट कर रहा है, और भारत की उम्मीद कर रहा है कि भारत सीरीज जीते और पाकिस्तान का बदला ले, ये एक ऐड बनाया गया है। सवाल ही आता है ये ऐड क्यों बनाया गया है। जब मैंने ये ऐड देखा मुझे दुख तो हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये तो होगा, जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर तो ये होगा। फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स उस पर कमेंट किया हुआ था, बिल्कुल सही ऐड बनाया है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है, जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर आपके साथ यही होगा, बिल्कुल 100% उन्होंने अच्छा काम किया, क्योंकि हम तो खुद अपने घर में से डील हो रहे हैं। मैं समझा शायद ऐसा करते ना लोग इसको बुरे मायनों में लेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। इंडिया ने 6 से 7 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया में 3 फास्ट बॉलर खिलाए,
वो दो के साथ जाते हैं और तीन स्पिनर खिलाते हैं। उन्होंने इस बार इस तरह किया है कि उन्होंने तीन फास्ट बॉलर खिला के और दो स्पिनर खिलाए और दो स्पिनरों से पूरा का पूरा वाट लगा दी उन्होंने बांग्लादेश की। पाकिस्तान और यार इंडिया में बस इतना फर्क है, जानिए आप हिसाब लगा लें, पाकिस्तान बांग्लादेश से 10 विकेटों से हारा है और जो इंडिया है वो 280 स्कोर से जीत गया। बांग्लादेश की टीम का जनाजा निकाल के रख दिया है, वो क्रिकेट वाला ग्राउंड नहीं था, उसको कब्रिस्तान बना दिया। टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 2024-25 उसकी जो लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है वो अनाउंस किया गया है और बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाला जिसे चाहे इज्जत दे, हम दूसरे नंबर के ऊपर है नीचे से और इंडिया वो नीचे है सबसे, ऊपर से वो अच्छा उल्टा खुला हुआ है, सॉरी। अच्छा चलो अपनी बात बाद में करेंगे, अब अच्छा लगता है कि अपने मुंह से तारीफ करे बंदा अपनी, पहले ना पड़ोसियों की तारीफ बात करते हैं। पहले नंबर पर है वो, क्या ही हो गया, पहले नंबर पर है तो 7 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं, बस 2 हारे भी हैं 2 हारे हैं, 7 जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हारे हैं उसमें हमें दिक्कत है, हमें उसमें ठीक है, बस गेम ओके है, 1 ड्रॉ किया है, 86 पॉइंट्स हैं, परसेंटेज वो जो भी होती है वो 71.67 की है इंडिया की। दूसरे नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 ड्रॉ, 90 पॉइंट्स, 62.50 इनकी परसेंटेज। तीसरे नंबर के ऊपर न्यूजीलैंड है। इंडिया ने वो सफा फाड़ दिया अपना हारने वाला, कोई भी मैच हो कोई भी फॉर्मेट हो यार, आप देखोगे कि वो लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हारने वाला कॉन्सेप्ट अपना है ही नहीं भाई, ताल्लुक ही नहीं है उस बात के साथ। तो बांग्लादेश ने, अगर हम आज के मैच की बात करें तो सबसे पहले क्योंकि जब मतलब शुरू हुआ, दिन का आगाज हुआ, मैंने एक चीज़ देखी कि बॉल्स सिराज कर रहे थे। अच्छा, कल मैंने अपनी तरफ से एक पेशगोई की थी, मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि सिराज जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद विकेट्स ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गलत हो गया। तो अब बात करते चलें कि दूसरे दिन का, आखिरी दिन का आगाज़ हुआ और आगाज़ इस तरह से हुआ कि सिराज जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं और दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो जो कैप्टन है वो भी बैटिंग कर रहे हैं और शकीबुल हसन भी बैटिंग कर रहे हैं, संतोष शकीबुल हसन, फॉर्म को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश जारी थी। तो अब जिस तरह मैंने देखा कि सिराज रिगरसली यू नो एक उनके चेहरे से लग रहा था कि वो एक थका देने वाली फॉर्म के अंदर मौजूद है कि जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार फाइनली जियो सिनेमा ने भी हमारा मजा लेना स्टार्ट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि जियो सिनेमा एक ब्रॉडकास्टर है जो कि भारत और बांग्लादेश मैच का मतलब लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, जिसमें एक एड चल रही है ड्यूरिंग मैच के दौरान कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का सीरीज हुआ था उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रावलपिंडी के अंदर बुरी तरीके से हरा कर आया था, 10-10 विकेटों से हरा कर आए थे, एक एक पारियों से हरा कर आए थे, जिसके बाद से पाकिस्तानी उसमें दिखाया गया उस एड में कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से कि भारत हमारा बदला ले ले बांग्लादेश से, क्योंकि हमें बहुत बुरी तरीके से जलील करके गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की इंटरनेशनल लेवल पर कहां तक मतलब बेइज्जती हो रही है। वो अब मतलब ब्रॉडकास्टर भी जो जियो सिनेमा है वो भी मजे लेना स्टार्ट कर दिया है, मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इससे शर्मसार हो गई है और बातें कर रही है कि हमारी इस तरह से बेइज्जती होना, अब हमारी जो कितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो भी इसका मतलब कोई अपोज नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं कि जियो सिनेमा ने ऐसा क्यों कर रहा है। फाइनली जिस तरह से पाकिस्तान की टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है उस तरह से क्रिकेट फैंस भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं और इस एड का जो हम अगर इसके पहले अगर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से हारी हो मतलब जीत गई होती तब इसका मतलब जो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं हमारे अपोज करते, लेकिन इस तरह से कंडीशन हो चुकी है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है कि हम मतलब हमारे जितने भी फैंस हैं वो इसका मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब किस तरह की कंडीशन हो गई है कि एक ब्रॉडकास्टर भी अब इन पाकिस्तानियों के मजे लेने स्टार्ट कर दिए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आपने वो एड देखा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।